साथियों, भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट भी है। भारत का मोटो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। पूरे विश्व को एक परिवार मानने की यह भावना इंटरनेशनल मिलिटियर में भी झलकती है। विश्व के प्रति कर्तव्य भावना और मानवता की सेवा का संकल्प सदैव भारत के मन में रहा है। आप देखिए, जब हम योग को लेकर आगे बढ़े तो हमने ये भी सुनिश्चित किया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए पूरे विश्व को उसका लाभ मिले। मुझे खुशी है कि आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में योग को अधिकृत रूप से बढ़ावा मिल रहा है। आज दुनिया के 30 से ज्यादा देश आयुर्वेद को भी मान्यता दे चुके हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रूप में आज भारत का यह प्रयास सस्टेनेबल प्लेनेट के लिए एक प्रभावी मंच का काम कर रहा है। और ये भी भारत के लिए खुशी की बात है कि आईसा से भी 100 से ज्यादा देश जुड़ चुके हैं। आज चाहे लाइफ मिशन की अगुवाई हो, क्लाइमेट चेंज से जुड़े लक्ष्यों को समय से पहले हासिल करना हो, हम अपनी विरासत से प्रेरणा लेते हैं, समाज में बदलाव को शुरू करते हैं और उसे विश्व कल्याण की भावना तक लेकर जाते हैं। और यही आज भारत के मिलेट मूवमेंट में भी दिख रहा है। श्री अन्न सदियों से भारत में जीवन शैली का हिस्सा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, रागी, सामा, कांगनी, चीना, कोंदो, कुटकी, कुट्टू जैसे कितने ही श्री अन्न भारत में प्रचलन में है। हम श्री अन्न से जुड़ी अपनी कृषि पद्धतियों को, अपने अनुभवों को विश्व के साथ साझा करना चाहते हैं। हम विश्व के पास जो नया है, दूसरे देशों के पास विशेषताएं हैं, उसे भी सीखना चाहते हैं। सीखने का भी हमारा इरादा है। इसलिए जिन मित्र देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहां उपस्थित है, मैं उनसे विशेष आग्रह है कि हम इस दिशा में एक स्टेबल मैकेनिज्म डेवलप करें। इस मैकेनिज्म से आगे चलकर फील्ड से लेकर मार्केट तक, एक देश से दूसरे देश तक एक नई सप्लाई चेन विकसित हो, यह हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।